तैयार। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा सामान ले आती हूँ, मैं बिंदी वगैरह वैसा सामान है तो इसलिए मैं जा रही थी, और थोड़े बच्चों को और कपड़े लेने जा रही हूँ मार्केट से। देखते हैं क्या लेके आते हैं, अच्छे मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं सामान ले आऊँगी अपना। बस मैं तैयार हो जाती हूँ, ठीक है। साड़ी भी मैंने पहनी नहीं है, पहन लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कपड़े लेने गए थे, मैं गई थी दो दुकानों पे गई थी, मैंने कहा थोड़े और कपड़े ले लेते हैं बच्चों को घर पे पहनने के लिए, तो वही गई थी मैं। और फिर मैं गई थी मतलब दुकान पे, इस पे शॉप पे गई थी जो मेरे इंगलू सिंगार का सामान था, थोड़ा बहुत था लेना मुझे, क्योंकि देव चले जाते हैं तो दिनों बाद आते हैं, तो मैं बीच में मार्केट ज़्यादा जाती नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं इकट्ठा ही सामान ले लेती हूँ। हमने बनाए भरमा बैंगन तो कैसे लगे, और ये देखिए हमारा सामान पूरा फैला हुआ पड़ा है। हमने किचन देखिए कहाँ बनाया है, और मैं बना रही थी रोटी तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ मैं, और देखिए तो मैंने बाहर किचन में मतलब गैलरी में रख दी है गैस, तो यहीं खाना बना रही थी, क्योंकि किचन में सारा सामान बाहर निकाल लिया था हमने, और फिर यहाँ पर वो सफाई करते हैं ना तो कूड़ा वगैरह हो जाता है, इसलिए तो हम यहाँ पे रोटी बना रहे हैं, और ये हमारा आटा लगा हुआ है, तो हम रोटी सेक चुके हैं आधी, तो थोड़ी रह गई है सेकने के लिए, तो वही दिखा रहे थे आपको। और ये आ गया है होली का सामान, तो वही है अपना डेली वाला, हर महीने ही आता है, और थोड़ा अपना होली की वजह से थोड़ा चेंज है सामान, क्योंकि इसमें पापड़ वगैरह वो मोल के होते हैं ना, तो वो है बर्फ वगैरह तो वही है। फूल भरी सूजी गजरेल के लिए, तो हम इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे, थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन होने लगा कलर। सूजी को हमने रोस्ट कर लिया है, अब ये देखिए हम मावा बना रहे हैं, ये सब मिक्स करके, बादाम है इसमें, काजू है, और चिरौंजी वगैरह है, और नारियल है सूखा नारियल, तो हम सबको मिक्स कर लेंगे, और जो कुछ आप डालना चाहो डाल सकते हो। मावा डाल लिया है मैंने, तो खोया भी बोलते हैं हमारे इधर, तो सब मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। तो मैं मिक्स कर रही थी क्योंकि बहुत सारा था, तो मैं इससे कर रही थी करछली से, क्योंकि हाथ से सही नहीं रहता, तो मैं इसी से सही से मिक्स कर रही थी आराम आराम से। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना आप कैसी बनाते हो गुजिया, और हम तो ऐसे ही बनाते हैं, और बहुत सारी बननी थी किट्टी, तो ये थी मेरे इनके हस्बैंड के दोस्त की बहन जो मेरी ननद है, तो वो आटा लगा रही थी, कह रही भाभी मेरा चेहरा मत लेना, उनके कोई बात नहीं है टेंशन मत लो, तो हमारी लाड़ो रानी रो गई थी, तो वो कह रही ना मैं आटा लगा देती हूँ। फिर हम लोग गुजियाँ बनाने लगे हैं, थोड़ा मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करवा रहे थे, तो सभी लोग हम हेल्प कर तो बन गए हैं हमारी गुजियाँ, और ये लोग खाना खा रहे हैं। फिर तो गुजियाँ बन के रख दी थी, पहले मैंने खाना खिला दिया तो उसके बाद गुजियाँ बनाई थी, तो ये देखिए हमारी गुजियाँ इस टाइप से बनी हुई है। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी, और दूध आ गया था बहुत सारे गाँव से हमारे आ जाता है हर त्यौहार पर, तो सब लोग देते जाते हैं पापा के प्रेम किया वो, तो ये मावा बना रहे थे और एक तरफ बना रहे थे सब्जी। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना कैसा लगा, बहुत टेस्टी लगती है। कर दो बाय, क्या हुआ थक गए हो, होली खेल के आए हो, क्या हुआ वही किटी किटी, अरे हस 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 गया, बाय करो बाय बाय, होली खेल के आया है बंसु। बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो बच्चों की भी होली हो गई है स्कूल में, और छुट्टी भी हो गई है, उनका आज पेपर था, तो हम फिर निकल पड़े हैं मार्केट के लिए, तो देखते हैं मार्केट से क्या लेके आते हैं। थोड़ा सामान रह गया था मेरा, वही लेने गई थी मैं, काना के कपड़े थे और सामान था थोड़ा मेरा, तो वही रह गया था, तो देव बोले चलो लेके आते, फिर कल तो मार्केट बंद हो जाएगी, और फिर मुझे जाना भी है, तो इसलिए मैंने कहा चलती हूँ अभी, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा,
क्योंकि काम तो काम हो जाता है फिर त्यौहार पे बहुत। तो देखते हैं फिर क्या लेके आते हैं। चलिए आपको भी ले चलते हैं मार्केट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बैठी थी, देव कह रहे थे पायले साफ़ करवा लो क्योंकि हमारे यहाँ का पानी ख़राब है, तो पायले बहुत ज़्यादा ही काली हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो देव बोले नहीं ले लो पायले और ले लो, आपको पसंद हो न्यू डिज़ाइन की। तो मैंने कहा देख लेते हैं कैसी हैं। तो इस डिज़ाइन ऐसी थी फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसी मैंने ली हैं। फिर देव को पसंद नहीं आ रही थी। तो फ्रेंड्स देख लेना सभी और बताना कमेंट करके कैसी लगी वीडियो। थोड़ा टाइम ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि टाइम लगेगा एडिट करने में। बाय बाय, और कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है? ओके, नमस्ते, बाय बाय। तो फ्रेंड्स मार्केट से ये पायलें लेके आई हूँ मैं, दिख रही है ना आपको, देखिए। और कमेंट करके बताना कैसी लगी, क्योंकि मेरे पास सारी पायलें बहुत भारी हैं और मुझे ये अच्छी लगी, मतलब पतली टाइप की। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय। और हमारा पोहा कैसा लगा बताना, देवन ने बनाया है। थैंक यू, बाय बाय।